नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले हफ्ते का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 21 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबका एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम 22 दिसंबर से लेकर 29th ऑफ दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के, उन सारे टॉपिक्स को एनालिसिस करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना होगा टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि पीडीएफ वहीं अवेलेबल कराया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर करेंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होगा निमोनिया के खिलाफ पहला भारतीय टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है और यह टीका जो है जल्द ही घरेलू निर्माताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा आज का हमारा टॉपिक है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 की रिपोर्ट जारी की है। इसके बाद है, हाल ही में अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक है, भारत ने हाल ही में शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अपने 42वें रामसर साइट के रूप में जोड़ा है। यह लद्दाख में दूसरी रामसर साइट है। इसके बाद टॉपिक होगा, अर्जेंटीना के बेहतरीन फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में किसी एक क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने के पेले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि ओडिशा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की जो है वो क्षमता होगी। और इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो में हमारा लास्ट का टॉपिक होगा, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है 25 दिसंबर को हुआ था और उनके जन्म दिवस के अवसर पर 2014 से प्रत्येक वर्ष जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? तो चलिए आज हम इतने टॉपिक पर एनालिसिस करने वाले हैं। शुरू करेंगे, हर एक टॉपिक का एनालिसिस ब्रीफ में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। अगला क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिए, इस वीडियो के एंड में मैं भी आपको आंसर दूंगा। चलिए आज के इस एनालिसिस वीडियो में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, निमोनिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि निमोनिया के खिलाफ लड़ने में जो पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया है कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पुराना नाम नहीं है, नया नाम नहीं है, जब से कोविड शुरू हुआ है तब से आपको लगातार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि कोविड-19 का जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, उसका निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जा रहा है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका पुणे में है। तो क्लियर है, याद रखिएगा, निमोनिया के खिलाफ पहला भारतीय स्वदेशी टीका, यानी कि स्वदेशी टीका कहाँ निर्मित किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निर्मित किया गया है, जो कि पुणे में स्थित है। चलिए, इस टीके का जो उपयोग है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को दूर करने में होगा, यानी कि इसकी वजह से, इस वायरस की वजह से जो निमोनिया उत्पन्न होते हैं इसे दूर करने में इसका उपयोग किया जाएगा। और भारत में निमोनिया के अगर हम मामले देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ आपके निमोनिया के मामले दिखते हैं? तो वो आपका दिखता है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। ये टॉप जो है 5 स्टेट्स हैं निमोनिया के मामले में। निमोनिया क्या है? तो निमोनिया एक प्रकार से बुखार है, फेफड़े से रिलेटेड एक फेफड़े का ज्वर हो जाता है और फेफड़ा में जो इन्फेक्शन हो जाता है तो निमोनिया की वजह से ही होता है। यह मुख्य रूप से वायरस की वजह से भी होता है और बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ से रिलेटेड है, जो कि हाल ही में इसका रिपोर्ट रिलीज किया गया है। तो देखते हैं कि भारत में तेंदुए की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस मंत्रालय के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्हीं के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट का नाम है 2018 का रिपोर्ट है ये, और 2014 के मुकाबले भारत में जो तेंदुए की आबादी है इसमें 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि बाघ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत में कुल बाघों की आबादी कितनी है?
आंसर जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2014 में जो तेंदुए की स्थिति थी 7110, और अभी वर्तमान समय में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुए की जो स्थिति है वो 12852 है। सबसे ज़्यादा भारत में तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जिसकी संख्या है 3421, और इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहाँ तेंदुए की आबादी है क्रमशः 1783 और 1690। क्लियर है? तो बाघ की आबादी भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और तेंदुए की आबादी भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और यह सर्वेक्षण किसके अंतर्गत किया गया है, तो जो सर्वेक्षण आपका टाइगर का किया गया था, जिसके तहत यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो बाघ सर्वेक्षण कंडक्ट कराती है और बाघों का संरक्षण भी करती है, और यही रिपोर्ट तेंदुए का भी टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसे भी तैयार किया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार अमेरिका की तरफ से हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार हाल ही में दिया गया, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वर्ष 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर इन्हें अब तक कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते चलता हूँ। आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इन्हें मिल चुका है। ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज शाह सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी मिल चुका है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ प्लेस्टाइन फिलिस्तीन द्वारा विदेशी गणतंत्र व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ये भी इन्हें मिल चुका है। सियोल पीस प्राइज यानी कि सियोल शांति पुरस्कार, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राइज है, दक्षिण कोरिया के सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। इसके अलावा चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, ये संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए सबसे बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। वर्ष 2020 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है, हमने हाल फिलहाल में ही डिस्कस किया, तो आंसर बताइएगा कि 2020 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। और इसके बाद ऑर्डर ऑफ जायद, ये है संयुक्त अरब अमीरात का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ। तो लियोनेल मेसी, नाम आप सब जानते होंगे, स्टार फुटबॉलर है, कौन से देश की तरफ से खेलते हैं, अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, और कौन से क्लब की तरफ से खेलते हैं, तो बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलते हैं, नाम याद रखिएगा। तो इन्होंने जो है हाल ही में किसी क्लब के लिए खेलते हुए सबसे ज़्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड जो है पेले के नाम था, वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, और ये जो है किसी क्लब के लिए खेलते हुए सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं। पेले ने 665 मैच खेला था और टोटल गोल कितने दागे थे, तो 643। मेसी जो है 749 मैचेस में इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, 644 अब तक इन्होंने गोल दागा है। तो याद रखिएगा, लियोनेल मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पिछली बार फीफा 2019 में फीफा द्वारा जो आपका प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है वो लियोनेल मेसी को ही दिया गया था, और वर्ष 2020 में किसे फीफा का प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है ईयर का, तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, रामसर का 42वां स्थल कौन सा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये पढ़ा था, दो भारत के दो स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया था, और अब एक और स्थान को जो है रामसर स्थल घोषित किया गया, कौन सा है, तो ये लद्दाख में स्थित है, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को जो है अपना रामसर ने 42वें साइट के रूप में भारत में घोषित किया है। क्लियर है? और ये जो है सोकर बेसिन एक उच्च ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि के क्षेत्र में स्थित है, इसमें दो मुख्य जल क्षेत्र हैं, एक है स्टार सरपुक्सो और दूसरा है सोकर। तो इसके अलावा स्टार्सो जो है दक्षिण में यानी कि लद्दाख के दक्षिण में 438 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित है, यह एक मीठे पानी का झील है, और सोकर जो है ये 1800 हेक्टेयर में स्थित है, और यह एक जो है अत्यधिक जो है लवणीय झील है। तो इसे भारत के 42वें रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। चलिए, कुछ दिन पहले ही हमने एनालिसिस किया था कि भारत के दो आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है, पहला कौन सा था, तो पहला था आपका सूर सरोवर झील। सूर सरोवर झील ये कहाँ स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दूसरा किसे रामसर साइट में शामिल किया गया था, लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है, ये आपका
महाराष्ट्र में स्थित है। और अब भारत में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है, तो 42 हो गई है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनाया जा रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, जिस पर हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी द्वारा जो है अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता जो है वो होगी। इसका निर्माण जो है 15 एकड़ में किया जाएगा और वर्ष 2023 में भारत में हॉकी का विश्व कप आयोजित होना है। तो उम्मीद है कि तब तक इस हॉकी स्टेडियम का निर्माण करा लिया जाएगा और वर्ष 2023 में जो विश्व कप होने वाला है वो इस स्टेडियम में भी खेला जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, वर्ष 2023 का जो विश्व कप का हॉकी की मेजबानी है वो भारत द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, सुशासन दिवस 2020 के बारे में है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि सुशासन दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष कब से मनाया जा रहा है, तो वर्ष 2014 से मनाया जा रहा है। किनकी याद में मनाया जाता है, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में जो है प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 25 दिसंबर 1924 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी को जो है वर्ष 2014 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा ये पहली बार प्रधानमंत्री कब बने, 1996 में, उस समय सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे। और उसके बाद 1998 में ये दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस वर्ष जो है इनका कार्यकाल कितने महीनों का रहा, 11 महीनों का रहा। और उसके बाद जो 1999 में चुनाव हुआ तो फिर ये प्रधानमंत्री बने और 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे। और ये पहली बार जो है गैर कांग्रेसी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा जो कार्यकाल है 5 वर्षों का वो पूरा किया था। और 2014 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये था आज का हमारा पूरा एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, जो मैंने शुरू में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे उसका आंसर मैं देते जाता हूँ। मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 131st। एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ ब्रीफ में, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। टाइम पत्रिका द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे चुना गया है, तो ए और बी इसका सही जवाब होगा, जो बाइडेन और कमला हैरिस को जो है संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से ईयर चुना गया है। क्लियर है, तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।